दोस्तों, क्या आप सभी सोच रहे हैं अपने गुलाब के पौधे को ट्रांसप्लांट करने की, बट इस भीषण गर्मी में आप सबको डर लग रहा है कि कैसे करें, पौधा मर जाएगा। तो भाई रिजल्ट भी देख लीजिए और साथ में ये भी देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से कार्य किया है और मुझे इतना अच्छा रिजल्ट कैसे मिला, तो देखिए पूरा वीडियो। जय श्री राधे दोस्तों, पूरे 2 दिन पहले मैंने मेले से खरीदे हुए 4 गमलों में बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर बना के और उनको एकदम सेट वेट करके पौधे लगाने लायक बना दिया था। और आप सभी को याद होगा तो मैंने जो मीशो से 200 बीज खरीदे थे बालसम के, जो कि उगेंगे, मतलब जो कि खिलेंगे बरसात के मौसम में, तो उनमें से ढेर सारे बीज मैंने इन 4 पॉट्स में से 1 पॉट में लगा दिए थे। तो उसके बाद बचते हैं हमारे 3 पॉट, तो आज हम उन 3 पॉट में लगाएंगे सुंदर से पौधे, क्योंकि अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी से जल्दी इन सस्ते से गमलों में प्लांट लगाऊं और अपने गार्डन की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाऊं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने आज जो देखा होगा कि मैंने मीशो से कोकोपीट खरीदी थी और मैंने उसे इस्तेमाल लायक बना लिया था, और साथ ही साथ अभी आप सभी देख रहे होंगे तो अपर लेयर में आपको देखने को मिल रही होगी कोकोपीट, तो मैंने अब इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। बिकॉज इसका इस्तेमाल करने से पौधे की मिट्टी में हवा का अच्छा प्रवाह होता है, पानी कण कण तक पहुँचता है और मिट्टी एकदम हल्की हो जाती है, और ये पॉट हमारा थोड़ा हल्का फुल्का है, उस वजह से कोकोपीट इसके लिए एकदम बेस्ट होगी। और इसी के साथ मैंने इसमें बीज भी लगाए थे, तो बीजों की जर्मिनेशन पावर को भी ये बढ़ाएगा, और साथ ही साथ अभी जो मैं इनमें पौधे लगाने वाली हूँ उनको ये फंगस से भी बचाएगा। तो काफी सारे फायदे हैं कोकोपीट के, इसलिए मैंने सोचा कि चलो खरीद लेते हैं और आप सबके साथ भी ये चीज शेयर कर देते हैं। और जिनके पास कोकोपीट नहीं होती है वो राइस हस्क इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब भूसा इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल का जो निकलता है, धान का जो निकलता है, वो वाला। अब चलिए फटाफट से इसमें पौधे लगाएंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि मैं पौधे इसमें वो लगाऊंगी जो कि गार्डन की सुंदरता को कुछ ही दिनों में बढ़ा दे, मतलब मैंने इसमें जड़ वाले पौधे ही लगाऊंगे, मतलब पौधों को ट्रांसप्लांट करूंगी। अब जब मैं पौधों को ट्रांसप्लांट करने की बात करती हूँ इतनी गर्मी में, तो 150 सब्सक्राइबर्स के मुझे भर भर के कमेंट आने लग पड़ते हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया, इतनी गर्मी में पौधों को ट्रांसप्लांट कौन करता है। तो चलो गाइज, आज सबसे पहले आपको ट्रांसप्लांटेशन से पहले रिजल्ट दिखा देती हूँ कि मेरे पौधे जो होते हैं उनको जब मैं ट्रांसप्लांट करती हूँ 44, 45, 46 डिग्री के टेम्परेचर में, तो उनकी कंडीशन कैसी होती है। तो दोस्तों, इस बड़ी वाली बाल्टी में ये जो मैंने गुलाब का पौधा लगाया है, ये आप सभी को तो याद ही होगा, इसे मैंने जस्ट पिछले हफ्ते ही ट्रांसप्लांट किया है, और तब पूरा 44 से 45 डिग्री का टेम्परेचर था हमारे एरिया का, और एक ही दिन में ना इसकी पत्तियों कुछ इस तरीके से ब्राउनिश होने लग पड़ी और मैं तो एकदम डर गई। और जब मैंने आप सबके साथ ये चीज शेयर की तो 150 सब्सक्राइबर्स मुझे काफी कुछ कहने लगे कि आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है क्या, इतनी गर्मी में पौधे को ट्रांसप्लांट कर दिया। तो सच्ची कहूँ तो मैं भी बहुत ज्यादा डर गई। फिर मैंने फटाफट से इसे छाया भर स्थान में रख दिया, और भी इसमें ऐसी कई सारी चीजें थी, टाइम टू टाइम पानी दिया, शावर करवाया, और अभी देखिए दोस्तों, 1 हफ्ते के बाद हमारे पौधे की कंडीशन कुछ ऐसी है, नई नई शूटिंग्स इसमें निकल रही हैं, पौधा भूसी भी बन रहा है, और इसे देख के सच्ची कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई हो रही है। थैंक गॉड मेरा गुलाब का पौधा बच गया, और ये देसी गुलाब नहीं है, ये हाइब्रिड गुलाब होंगे, और मे बी ये भी बहुत बड़ा हो निकलेगा, और पता नहीं कौन से कलर का निकलेगा, ये तो जब इसमें फूल खिलेगा तभी पता चलेगा। तो ये सिर्फ एक ही पौधे की बात नहीं है, मैंने इसके साथ एक और पौधा ट्रांसप्लांट किया था, एक ही कंटेनर में ये दोनों लगे हुए थे, ये एलोवेरा वाले कंटेनर में लगे हुए थे, तो मैंने जड़ के साथ और मिट्टी के साथ इनको निकाला था। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, फिर चाहे आप सर्दी में पौधों को ट्रांसप्लांट करें, गर्मी में करें, पौधा आपका डैम श्योर स्वस्थ रहेगा। और दूसरे पौधे की भी कुछ ऐसी कंडीशन है, सिर्फ एक हिस्सा है कटिंग है, और बाकी देखिए पत्तियां आपको नजर आएंगी, बहुत अच्छे से ये भी ग्रो हो रहा है, और ये भी इसी के साथ मैंने ट्रांसप्लांट किया है, और भी है मेरे पास काफी सारे रिजल्ट। और उससे पहले मैंने 2 हफ्ते पहले ही जस्ट ये वाला रोज ट्रांसप्लांट किया है, जो कि है बटन रोज, जिसके कुछ इस तरीके के बिल्कुल छोटे छोटे से फूल खिलते हैं, फ्लावरिंग पॉइंट भी छोटे छोटे होते हैं। जब ये फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में खिलने लगा ना, मैं तो डर गई, मैंने बोला कि मेरा पौधा कुपोषण का शिकार हो गया, इतने छोटे फूल खिल रहे हैं। फिर जब मैंने आप सबके साथ शेयर किया तो 150 सब्सक्राइबर्स से मुझे ये जानने को मिला कि इसके फूल इतने इतने खिलते हैं क्योंकि ये बटन रोज है। और देखिए ट्रांसप्लांटेशन के बाद इसने जो तरक्की की है वो सच में देखने लायक है, और ये भी जून महीने में ही ट्रांसप्लांट किया है। अभी हमारी गाड़ी यहीं पे नहीं रुकेगी, ये देखिए ये भी जो पौधा है ये भी मैंने जून महीने में ही ट्रांसप्लांट किया है, और ग्रोथ देखिए और इसी के साथ फ्लावरिंग पॉइंट्स भी देख लीजिए।
तो अब आप सभी समझ ही गए ना कि किस तरीके से मेरे पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, रिजल्ट देख लिया ना। तो चलिए फटाफट से, तो मैंने अपने नए गमलों में पौधे लगाने हैं, ट्रांसप्लांट करने हैं, उनको भी फटाफट से कर लेते हैं। तो मैं पौधे लेकर आती हूँ पहले, तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, इन पॉट्स के लिए हम पौधे लेंगे अपने ग्राउंड फ्लोर से। मेरे ग्राउंड फ्लोर की ये जो क्यारी है, यहाँ पे मैंने ढेर सारे प्लांट लगाए हैं और ढेर सारी कटिंग भी लगाई है। और आपको ये वाली कटिंग याद होगी तो ये मैं लेकर आई थी अपने रिश्तेदारों के घर से। ये है यूफोर्बिया मिली, जिसे मैं कांटेदार पौधे का भी नाम देती हूँ। और ये देखिए, अब काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुका है, पत्तियाँ इसकी निकल चुकी हैं। तो मैंने अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करके इसे मिट्टी के साथ निकालने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट जैसे कोशिश कर रही थी मुझे इसके कांटे चुभ रहे थे और एंड में मुझे कुछ इस तरीके से पौधा भी मिल गया और सारी मिट्टी इसकी हट गई। बट ये एकदम हार्डी पौधा होता है, इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसकी मिट्टी निकले या फिर ना निकले। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे निकाल लिए। चलिए अब अगला पौधा भी ले लेते हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जो माताश्री ने गर्मियों के मौसम में देसी गुलाब की कटिंग लगाई थी यहाँ पे, चलो एक आधी वही ले लेती हूँ। बट जब इसे निकालने लगी तो ये निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि मैंने इसे मिट्टी के साथ ही निकालना था। फिर मैंने इस वाली क्यारी में देखा तो यहाँ पे भी ग्रो हुई थी, तो मैंने इसे मिट्टी के साथ जैसे तैसे करके निकाल लिया। तो ये रहे वो पौधे, मैंने तो इसे मिट्टी के साथ ही निकाला था, बट मिट्टी इतनी ज़्यादा भुरभुरी हो चुकी थी कि वो निकल गई, बट इसकी रूट्स वगैरह निकली हुई हैं। अब हम बिना देरी किए इसे लगाना शुरू कर देंगे, और जो मैं जितनी भी केयर है वो मैं आप सबके साथ डेली शेयर करूंगी और थोड़ा थोड़ा अभी भी बता दूंगी कि किस तरीके से कार्य करना है हमने। बट उससे पहले ना मुझे चेकआउट करना पड़ेगा कि बीज मैंने किसमें लगाए हैं, शायद इसी वाले पॉट में लगाए हैं यार। मैं तो कंफ्यूज होगी कि बीज किस में लगाए थे। चलो बीज, चलो देख लेंगे कहाँ पे उगते हैं कहाँ पे नहीं, बट इसे हम लगा देंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए गड्ढा निकालना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल मिक्सचर तो हमने इसमें पहले से ही डाला हुआ है। और ये जो आप गुलाब देख रहे हैं, ये देसी गुलाब है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, फूल भी बहुत अच्छे खिलते हैं। बारहमासी ये पौधा है, 12 महीने आपको ये फूल देता रहेगा। थोड़ा और गहरा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ऊँचा ऊँचा सा लग रहा है ये, इतना काफ़ी है। जल्दी से इसे लगा देते हैं, और देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, बहुत जल्द इसके फूल भी खिल जाएंगे हमारे गार्डन में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आप सबको कोकोपीट के फ़ायदे बताए थे और ये भी बताया कि हमने मिट्टी पहले से ही डाल दी थी, तो मैंने क्या किया, जैसे अभी कटिंग लगाई तो कटिंग के बीचों बीच मैंने कोकोपीट डाल दिया, और कोकोपीट को अभी इस तरीके से कवर अप कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पौधे को फंगस लगने से बचाएगा, ठीक है। और दोस्तों, एक और बात है कि जब भी आप अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करें तो हमेशा शाम का समय ही चुने। देखिए अभी सूरज देवता जा चुके हैं, तो मैंने इनको ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया। और कल हमारे यहाँ पे बारिश भी बताई गई है, और आज भी मौसम थोड़ा ठीक ही था शाम के समय पे, तो मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया अभी। पर दोस्तों, एक बात बताऊँ, बाकी जो भी मैंने गुलाब ट्रांसप्लांट किए वो मैंने मिट्टी के साथ किए हैं। ये थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पे थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा निकल गई थी, तो बाकी इसकी केयर मैं बताती रहूँगी फिर भी आप सभी को। तो कोशिश करेंगे कि ये हमारा पौधा मुरझाए ना, ऐसे कुछ हो ना। इसके बाद जो दूसरा पौधा हम लगाएंगे वो है यूफोर्बिया मिली का। आपको याद होगा तो मैंने अपने रिश्तेदारों के घर से इसे लाया था, येलो कलर में ये था, आया कुछ याद? तो हाँ भाई, ये वही है। मैंने इसकी कटिंग को फिर अपने ग्राउंड फ्लोर पे लगा दिया था, और अभी इसकी रूट्स वगैरह निकल आई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो भाई लगा देते हैं इसे इसके ठिकाने पे। और मेरे पास येलो यूफोर्बिया मिली नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो यही लेते हैं इनसे और यही लगाते हैं अपने गार्डन में, थोड़ा सा ऊँचा कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ ही दिनों में कटिंग भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई, और इसी के साथ पत्तियां वगैरह भी इस पर निकल आई हैं। तो देखिए दोस्तों, दो पौधे हमारे लग चुके हैं, एक तो हमारा देसी गुलाब का और दूसरा रहा हमारा यूफोर्बिया मिली, मतलब कांटेदार पौधा। और तीसरे में उगेंगे हमारे ढेर सारे बीज, जो कि होंगे बीज नहीं सॉरी पौधे उगेंगे, पौधे होंगे हमारे बालसम के। और फिर जो बालसम के पौधे हो गए, कुछ इसमें लगा दूंगी कुछ इसमें लगा दूंगी, ठीक है। तो दो को फिलहाल हम रेस्ट पे रखेंगे, और ये जो दो लगाए हैं इनका कार्यक्रम हम ऐसे ही शुरू रखेंगे। और अभी देखिए दोस्तों, बिना मिट्टी के से निकाल, मतलब बिना मिट्टी के ये निकल गया था, तो अभी ये थोड़ी बेहोश होने की कंडीशन में आ रहा है। ये देखो हो रहा है ना ये बेहोश, तो अभी क्या करना है, आपने पानी दे दिया, सब कुछ हो गया हमारा काम। तो अब हम इसे ऐसी जगह पे रख देंगे
जहाँ पे धूप बिल्कुल भी ना पड़े, थोड़ी बहुत पड़े बट ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। और इसको तो आप जहाँ मर्जी रखो, ज़्यादा धूप में रखो, कम धूप में रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ज़्यादा धूप में ही रख दो इसे, ये एकदम बढ़िया पौधा है। तो पौधा लगाने के बाद तो आपने यही काम करना है कि आपने इसे छाया भरे स्थान में रख देना है पूरे 1-2 हफ्ते के लिए, जब तक आपको ये ना लगे कि पौधा अब थोड़ा होश में आने लग पड़ा है या फिर उसमें नई नई शूटिंग्स आने लग पड़ी है। तो आज की केयर तो बस इतनी ही होगी इसकी, बाकी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टाइम कि इसे खाद कब देनी है और बाकी चीज़ें इसमें कब करनी है। फिलहाल इसे खाद की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बर्मी कंपोस्ट और साथ में कोकोपीट वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं, तो ये सफिशिएंट है इसके लिए, ज़्यादा हम कुछ नहीं देंगे इसमें, बस इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको मेरे रोजेज के ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट कैसे लगे, और इसी के साथ ये जो 2 पौधे मैंने इनमें लगाए हैं क्या ये ठीक लगाए हैं या फिर कुछ और लगाना चाहिए था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त नहीं होती है, अभी सुबह हो चुकी है और अभी जस्ट मैं वीडियो एडिट कर रही थी अपने गार्डन में बैठ के, तो मैंने सोचा क्यों ना डियर सब्सक्राइबर को फाइनल रिजल्ट सुबह वाला दिखा दिया जाए। देखिए अभी हमारी देसी गुलाब की कलियां जिसे हमने कल ही इस वाले पॉट में लगाया था, देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये होश में आ चुकी है। मैंने आप सबको तब कहा था ना ये बेहोश हो रही है, जैसे अब मिट्टी में लगा दिया, बढ़िया वगैरह सॉइल मिक्सचर सब कुछ बनाया है, छाया में रखा है, रात को तो बारिश भी हुई है, तो भाई ये अच्छे से सेट हो चुका है। और देखिए इसकी कलियां जो बेहोश हो गई थी वो होश में आ चुकी हैं और अब आगे आगे ये ग्रोथ कर रही हैं, मतलब हमारा पौधा एकदम सही तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ है। बट आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने हमेशा मिट्टी के साथ ही अपनी पौधे की जड़ों को निकालना है, अगर कई कबार मिट्टी के साथ नहीं निकलती हैं जड़ें तो आप उनको छाया भरे स्थान में रखें, सुबह शाम अच्छे से वॉटरिंग करवाएं, कोकोपीट का इस्तेमाल जरूर करें। और इसे देख के सच्ची मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो इसी के साथ भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राधे, जय श्री राम।